फ्रेंड्स, आप सभी ने चैट जीपीटी का नाम तो सुना ही होगा। आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। ऑल इन ट्रेड के अंदर हम यूज करने वाले चैट जीपीटी। जी हाँ, चैट जीपीटी को यूज करके एक मिनट की बेस्ट स्ट्रैटेजी बॉलिंगर बैंड के साथ क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। प्लस आज के इस वीडियो में मैं 10 ट्रेड्स लेके आपको दिखाने वाला हूँ। जो भी स्ट्रैटेजी चैट जीपीटी बताएगा यूजिंग बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर, उसके साथ हम 10 ट्रेड लेके दिखाएंगे और वो जो ट्रेड है उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट रहते हैं वो कैलकुलेट जरूर करेंगे। इसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ भाई, मैं क्या टाइप कर रहा हूं देख सकते हैं। बेस्ट 1 मिनट ऑल इन ट्रेड स्ट्रैटेजी विथ बॉलिंगर बैंड। जैसे ही हमने एआई से पूछा हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाती है एक स्ट्रैटेजी के लिए, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो है वो हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग बॉलिंगर बैंड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाती है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग अप योर चार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है एसेट को। एसेट को कौन सी एसेट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी एसेट जो हाईली लिक्विडेट एसेट होती है, जिसमें एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है यूरो यूएसडी, जिसका प्रॉफिट परसेंटेज जो रहता है वो 82% रहता है यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम फ्रेम, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम फ्रेम हमें चूज करना है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम हमें चूज करना है। इंडिकेटर की बात करते हैं तो देखो, जैसा हमने मेंशन किया था बॉलिंगर बैंड, तो बॉलिंगर बैंड तो हमारे इंडिकेटर्स में होना ही चाहिए। इसका जो पीरियड है वो हमको 20 रखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखना है। मतलब 20 और 2 का क्या मतलब है कि बेसिक, यानी इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ अलग से हमें सजेस्ट नहीं किया है, लेकिन आगे हमें स्ट्रैटेजी के स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। और एक चीज और, एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए हमें कौन से इंडिकेटर्स यहां पे ऐड करने चाहिए वो भी इन्होंने बताया है। चलो लेट्स सी फ्रेंड्स, हम स्ट्रैटेजी स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई ट्रेंड्स की, जहां पे हम देखते हैं कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जब लाइव ग्राफ यहां पे चल रहा होगा तब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे ये इस तरीके से हमारा जो ट्रेंड है वो चल रहा है, ये हमारा बॉलिंगर बैंड का अपर एंड लोअर लेवल है। यहां पे ये बोल रहा है कि अपर बैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्राइस है वो कंसिस्टेंटली हिट करेगा अपर बॉलिंगर बैंड को। ठीक है, इसको हिट करेगा यहां पे। इसका मतलब अगर यहां पे ये हिट करता है और लोअर बैंड को ये टच नहीं करता है, इन दिस केस जो ट्रेंड है हमारा वो अप ट्रेंड है। ठीक है, इस केस हमारा जो ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। ठीक है, डाउन ट्रेंड हम कैसे पता कर सकते हैं, अब एआई का क्या कहना है डाउन ट्रेंड पे, तो देखेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमारा ग्राफ जो है वो चल रहा है और वो टच करता है लोअर बॉलिंगर बैंड को, यहां पे उसने टच किया, तो अगर यहां पे वो टच करेगा तो ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आइडेंटिफाई ट्रेंड स्ट्रेटजी स्टेप बाय एआई, तो यहां पे अगर वो कंसिस्टेंटली हिट करेगा और वो ऊपर के अपर बैंड को टच भी नहीं करेगा, देखो यहां पे वो टच भी नहीं कर रहा है, इन दिस केस जो ट्रेंड रहेगा वो लोअर ट्रेंड रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे और मैं आपको एंट्री पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। देखिए, तो एंट्री पॉइंट्स हम 2 तरीके से आपको पता ही ले सकते हैं, कॉल और पुट के लिए। तो सबसे पहले कॉल की बात करते हैं, तो यहां पे हमें कब एंटर करना है मार्केट के अंदर, यानी कि कोई भी ग्राफ चल रहा रहेगा एक्स वाई जेड, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे ये ग्राफ चल रहा है, ठीक है, यहां पे ये ग्राफ चल रहा है इस तरीके से यहां पे ग्राफ चल रहा है, हमको कब, अब ये आपके सामने ग्राफ है, हमको कब एंट्री लेनी है कॉल के लिए। तो यहां पे देखिएगा, एंटर अ ट्रेड व्हेन द प्राइस टचेस द लोअर बॉलिंगर बैंड एंड देयर इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, ये इन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं और इन्होंने जो पहला बोला था वो ये है कि जब प्राइस जो है, ये हमारा प्राइस है, मतलब कि हमारी जो कैंडल है वो टच करती है लोअर बॉलिंगर बैंड को, यानी यहां पे इसने टच किया। ठीक है, अब टच करने के बाद हमें देखना है कोई हैमर या बुलिश
का मतलब होता है ग्रीन कलर की कैंडल, हैमर एक पैटर्न होता है कैंडलस्टिक का, अगर वो हमें यहाँ पे मिलता है इन दिस केस हम अपवर्ड ट्रेंड के लिए ट्रेड करेंगे ऊपर के डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कॉल के लिए ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। चलिए पुट की ट्रेड की बात करते हैं, पुट के लिए कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पुट के लिए जो बताया, देखिए एंटर अ ट्रेड व्हेन द प्राइस टचेस द अपर बॉलिंगर बैंड एंड देयर इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखे, और इन्होंने बोला है कि जो प्राइस है वो टच होना चाहिए अपर बॉलिंगर बैंड के। तो सिंपली हम समझते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राफ चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जब ट्रेड करेंगे, देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ट्रेड करेंगे जो नियर बाय टच ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इसने टच कर लिया है ऊपर, तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, यानी एंट्री पॉइंट हमारा ये रहने वाला है। ठीक है, और शूटिंग स्टार का कैंडलस्टिक पैटर्न या बेयरिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है, रेड कलर की कैंडल, तब हमें पुट के डायरेक्शन के लिए एंट्री लेनी है। फ्रेंड्स, कॉन्फर्मेशन के लिए क्या करना है, देखो ये तीसरा पॉइंट है हमारा कॉन्फर्मेशन, लुक फॉर कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द मिडल बॉलिंगर बैंड इन एन अप ट्रेंड। ठीक है, द प्राइस शुड बी अबव द मिडल बैंड, ये याद रखना। ठीक है, अप ट्रेंड के लिए याद रखना, ये अप ट्रेंड के लिए प्राइस शुड बी अबव मिडल बैंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, देखिए ये हमारा मिडल बैंड है और ये हमारा ग्राफ चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए अप ट्रेंड के लिए, तो हमारा जो प्राइस है वो मिडल बैंड को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए इस तरीके से। तो अगर जो प्राइस है, कैंडल है, वो मिडल बैंड को क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इन दिस केस हमें अपवर्ड ट्रेंड मिलता है। अब मैं डाउनवर्ड की बात करता हूं, तो देखो यहां पर यह चीज भी मेंशन है, द प्राइस शुड बी बिलो द मिडल बैंड, तो ये होता है डाउनवर्ड। मतलब अब अगर मैं नीचे वाले प्राइस की बात करता हूं मिडल बैंड के, तो वो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा। ठीक है, एडिशनल कॉन्फर्मेशन कैन कम फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स लाइक द RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर इंडिकेटिंग ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन। ठीक है भाई, मैं इसी का ही वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जो AI है ना सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ खेल रहा है, बट यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें जब RSI और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का जो हेल्प है वो अगर मिल जाती है तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं RSI यूज करने वाला हूँ। RSI में हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन पे काम करेंगे, देखेंगे इनको यूज करके हम किस तरीके से जो है एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उस स्ट्रैटेजी को यूज करके सिग्नल्स ले सकते हैं। ट्रेड डायरेक्शन देख सकते हैं, आपने एक मिनट इन्होंने बताया है, ठीक है, टिपिकली इन्होंने एक से दो मिनट बताया है, बट हम एक मिनट ही रखेंगे फिलहाल के टाइम के लिए, हम ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है इसको एक मिनट के हिसाब से मैंने प्लान किया था और पूछा भी मैंने ChatGPT से, एक मिनट के लिए ही था। अब यहाँ पे देखो, अब इतना समझ में आ गया कि हम अप ट्रेंड कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, लोअर ट्रेंड कैसे देख सकते हैं, क्या कॉन्फर्मेशन हम ले सकते हैं। अब RSI का भी मैंने आपको बता दिया, हम RSI यूज करेंगे क्योंकि ChatGPT ने भी हमको RSI के बारे में बताया है। अब कॉल ऑप्शन और पुट के लिए बात करेंगे, एंट्री पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, एंट्री पॉइंट आप कैसे ले सकते हैं। कॉल और पुट की बात करते हैं, तो कॉल के लिए प्राइस टचेस द लोअर बैंड, देखिए मैं पहले आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप ना आप समझ पाए, आप एग्जैक्टली आप जब अपने ग्राफ पे आएंगे आप समझ पाएंगे चीजों को, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें मैं मोबाइल फोन में भी आपको करके दिखाऊंगा, तो आप एक्सप्लेन और अच्छे से आप जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। देखें यहाँ पे ये बॉलिंगर बैंड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, अब प्राइस टचेस द लोअर बॉलिंगर बैंड, ठीक है ये प्राइस है, इसने लोअर बॉलिंगर बैंड को टच कर दिया। ठीक है, द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म, अब यहां से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही, बुलिश का मतलब क्या हो गया भाई, ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब ये अगर लोअर यहां से अगर नीचे ही जा रहा है, तो एक मैं मिडल भी फ्रेम कर देता हूं, ये मिडल, ठीक है ये हो गया अपर, ठीक है ये हो गया मिडल, ठीक है और ये हो गया लोअर। ठीक है, अब अपर बॉलिंगर बैंड है ये, और ये मिडल मिडल बॉलिंगर बैंड है, ये लोअर बॉलिंगर बैंड है, और ये हमारे जो है ये प्राइस बोल सकते हो इसको, कैंडल बोल सकते हो, ग्राफ बोल सकते हो। जैसे ही हमें पहला हमारा जो कॉन्फर्मेशन है, जब प्राइस टच करेगा लोअर बॉलिंगर बैंड को, ये हमारा पहला कॉन्फर्मेशन है। दूसरा, जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा, अब देखो ये यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, RSI इंडिकेट्स ओवरसोल्ड कंडीशन बिलो 30, तो आपको अगर पता रहेगा RSI अगर इंडिकेटर हम यूज करते हैं तो RSI के अंदर दो लेवल होते हैं, एक होता है 30 और एक होता है 70। तो यहां पर मैं आपको करके दिखा देता हूं, तो जब आप
ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपको RSI भी अप्लाई करना है, वैल्यूज बाय डिफॉल्ट रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। इसका एक बिलो लेवल होता है जो 30 का होता है, अपर लेवल 70 का होता है। यहाँ पे बिना एक ग्राफ ऐसे चलता रहेगा, एक हिस्टोग्राम चलता रहेगा, ठीक है, हिस्टोग्राम चलता रहेगा, यहाँ पे हिस्टोग्राम चलेगा इस तरीके से हिस्टोग्राम यहाँ पे चलता रहेगा। तो यहां पे बोला है RSI इंडिकेट ओवरसोल्ड कंडीशन बिलो 30। तो देखो अगर आपका RSI जो है ना, यानी ये जो है ना, ये RSI है, ठीक है, अगर आपका ये RSI नीचे जाता है यानी बिलो 30 जाता है, तो इस केस में जो कंडीशन बनती है वो ओवरसोल्ड की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अगर आपका RSI ओवरसोल्ड की कंडीशन इंडिकेट करता है, इन दिस केस हमें कॉल की डायरेक्शन में जाना है। सिंपल, कॉल के डायरेक्शन में तीन हमें इंडिकेटर्स मिल गए, तीन हमें ऑप्शंस मिल गए। पहला कॉन्फर्मेशन जब इसको टच करेगा, दूसरा कॉन्फर्मेशन बुलिश कैंडल, तीसरा कॉन्फर्मेशन ओवरसोल्ड, चौथा देखो एंटर वन मिनट ट्रेड, एंटर अ वन मिनट कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर ये तीन हमें कॉन्फर्मेशन मिल गए तो हमको एक मिनट की कॉल के लिए ट्रेड जो है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है, तीन कॉन्फर्मेशन। तो चलिए अभी पुट के ऊपर आते हैं कि पुट की कॉन्फर्मेशन किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो यहां पे सिंपली मैं ये डिलीट कर देता हूं और अब आते हैं हम पुट की कंडीशंस पे। तो देखिए पुट में सेम पहले मैं डिजाइन कर लेता हूं आपके लिए, बना देता हूं ये लोअर लेवल, अपर लेवल और मिडिल लेवल बॉलिंगर बैंड। अब यहां पे ग्राफ चल रहा है इस तरीके से, यहां पे चल रहा है, यहां पे इसको क्रॉस किया, यहां पे चल रहा है यहां पे, ये ग्राफ है, ठीक है। यहां पे हमारा 30 का लेवल है और यहां पे 70 का लेवल है RSI का, ठीक है, और यहां पे भी हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से जो है वो चल रहा है। ओवरसोल्ड ओवर बॉट की कंडीशंस यहां पे आपको देखने को मिल रही है। अब प्राइस टचेस द अपर बॉलिंगर बैंड, ये हमारा पहला कंडीशन है। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे जो प्राइस है वो टच कर रहा है, यहां पे प्राइस टच कर रहा है। तो अगर वो अपर लेवल ऑफ बॉलिंगर बैंड को टच करेगा, इट मींस हमारे पास ये पहला कॉन्फर्मेशन होगा। सेकंड, अब बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्स। अब ये देखोगे टच करने के बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहां पे और यहां पे, ये हमारा दूसरा है। तीसरा, RSI इंडिकेट ओवर बॉट कंडीशन। ओवर बॉट कंडीशन कहां पे दिख रही है हमको? सिर्फ एक जगह है, यहां पे हमको एक ओवर बॉट कंडीशन दिख रही है। अब यहां पे चलते हैं तो चौथा पॉइंट है एंटर अ वन मिनट पुट ट्रेड। तो ये तीन कॉन्फर्मेशन जैसे ही हमें मिल जाते हैं, हमको ट्रेड प्लेस करनी है पुट की डायरेक्शन में। सिंपल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको ट्रेड जो है वो प्लेस करनी है। तो हमको ये भी समझ आ गया कि कॉन्फर्मेशन कैसे लेना है। बट याद रखिएगा RSI जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि RSI अगर आप नहीं यूज करेंगे तो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन नहीं ले सकते। बिकॉज बॉलिंगर बैंड जो है वो एक सिंगल इंडिकेटर है और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन हमें यूज करने पड़ेंगे एडिशनल कॉन्फर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स या ऑक्सीलेटर्स। चलिए अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। ये जो पार्ट है अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, इन्होंने यार रिस्क मैनेजमेंट भी दिया, हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में इन्होंने मेंशन किया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओनली रिस्क अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल, एग्जाम्पल 1-2% पर ट्रेड। ये तो मैं पता नहीं कितने टाइम से आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ट्रेडिंग कैपिटल आप खत्म नहीं कर सकते, आप एक दो ट्रेड में ही उसको फिनिश कर दोगे ऐसा नहीं। आप स्लो ट्रेडिंग करोगे तो आपका ट्रेडिंग कैपिटल आप काफी टाइम तक यूटिलाइज कर सकते हो, और इन केस अगर आप स्लोली ट्रेड करोगे, छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करोगे, तो आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल को मार्टिंगल भी कर सकते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब आते हैं स्टॉप लॉस। तो देखोगे आपको रुकना कहाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको रुकना बहुत जरूरी है जब आपको लगे। भाई सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं, आज आपका दिन नहीं है मत करो ट्रेड, क्योंकि कल आपका दिन हो सकता है। देखो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में बहुत बार आपको मौके मिलेंगे ट्रेड करने के, बट जिस दिन नहीं मौका मिल रहा है, जिस दिन नहीं है उस दिन मत करो, टेक प्रॉफिट। अब यहां पे आपको रियलिस्टिक प्रॉफिट लेवल को सेट करना पड़ेगा, आपकी गोल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, एक्चुअली गोल भी नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको एक रियलिस्टिक सही गोल, ऐसा नहीं कि $10 है $1,000 में बना लेता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं टिप्स पे। तो यहां इन्होंने पेशेंस के लिए कहा है, डिसिप्लिन कहा है, रिव्यू कहा है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और मैं हमेशा से ही कहता हूं कि भाई आप कुछ मत करें, सिर्फ चैनल को फॉलो कर लें, ये सारी चीजें सालों से सिखाता आ रहा हूं,
डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत ट्रेडर्स जो है वो डिसिप्लिन भी हैं, बहुत लोगों ने सीखा है, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, ज़्यादातर लोगों ने कमाया है जो एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो भाई मुझे, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग पैसा कमाएं और अच्छे से एजुकेशन लें। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है जो हमें मिली है बॉलिंगर बैंड प्लस RSI को यूज करके, यहाँ पे हम स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं RSI यूज करना प्रेफर करूंगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, अब इसको मैं मोबाइल फोन पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मोबाइल फोन पे इसे अप्लाई किया जाता है। इसके बाद मैं आपको ट्रेड्स लेके दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से हम कैसे मोबाइल फोन में ट्रेड ले सकते हैं ऑल इन ट्रेड के इंटरफेस पे, और ट्रेड लेने के बाद एक बार फिर से हम मिलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 10 ट्रेड्स ली हैं, रिजल्ट आपके सामने। उम्मीद करूंगा कि आप भी ट्रेड्स लेके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। मुलाकात करेंगे और ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।